नमस्कार, मैं लखन सालवी और आप देख रहे हैं डेली राजस्थान। कांग्रेस की चौथी सूची में आया डॉक्टर मंगेलाल गरासिया का नाम। गोगुंदा सीट पर लड़ेंगे चुनाव। आखिरकार मंगलवार का दिन डॉक्टर मंगेलाल गरासिया के लिए मंगलमय हो गया। कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति ने अपनी चौथी सूची में डॉक्टर मंगेलाल गरासिया के नाम पर मुहर लगा दी। डॉक्टर मंगेलाल गरासिया के नाम पर मुहर लगने के बाद कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। वीडियो में आप देख सकते हैं, गोगुंदा में रामेश्वर चौधरी के नेतृत्व में यूथ कांग्रेस के युवाओं ने जमकर नारेबाजी की व आतिशबाजी की। इस दौरान ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राम सिंह चदाना, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष हरि सिंह जाला, विजय बावड़ी के पूर्व सरपंच चैन सिंह चदाना, जिला महामंत्री प्रहलाद सिंह जाला, रामलाल चौधरी, गोपीलाल पालीवाल, जसपाल सिंह व रमेश वैष्णव सहित कई कार्यकर्ता वे प्रत्याशी डॉक्टर मंगेलाल गरासिया मौजूद रहे। इसके बाद पूर्व मंत्री डॉक्टर मंगेलाल गरासिया ने अपने पैतृक गांव सरिया फला पहुंचकर मंदिर में पूजन अर्चन किया। आपको बता दें कि डॉक्टर गरासिया हनुमान जी के अनन्य भक्त है। इन्होंने अपने घर के परिसर में ही हनुमान मंदिर बनवा रखा है, वहां वो नियमित पूजा अर्चन करते हैं। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चन करने के बाद वो सायराज क्षेत्र में कई मंदिरों में धोख देने के लिए पहुंचे। इसके बाद देवला व मालवा का चौरा में उत्साहित कार्यकर्ताओं से जाकर भी वो मिले। इधर कांग्रेस के प्लास्मा मंडल अध्यक्ष किशन सिंह निकोर, ईसवाल मंडल अध्यक्ष नागेंद्र सिंह जाला, दिनेश डांगी सहित कई युवा गोगुंदा चौगान में पहुंचे और जमकर आतिशबाजी करते हुए डॉक्टर गरासिया को टिकट मिलने की खुशी व्यक्त की। आमतौर पर अपने चाहते प्रत्याशी को टिकट मिलने पर हर किसी पार्टी के कार्यकर्ताओं को खुशी होती है और कार्यकर्ता खुश होकर आतिशबाजी करने, रैली निकालने, ढोल नगाड़ों के साथ प्रत्याशी का स्वागत करने जैसे कृत्य करते हैं। लेकिन इस बार डॉक्टर गरासिया को चाहने वाले कार्यकर्ता कुछ ज्यादा ही उत्साहित है। आखिर ये सब इतने उत्साहित क्यों है? इस सवाल का जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेगा। सबसे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर दीजिए। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित है इसलिए है कि इस बार कांग्रेस ने टिकट कार्यकर्ताओं को दिया है। जी हाँ, इस बात को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। कांग्रेस अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर रही थी, 3 सूचियां जारी कर चुकी थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि डॉक्टर मंगेलाल गरासिया का नाम दूसरी सूची में आएगा, लेकिन नहीं आया। उसके बाद तीसरी सूची में भी डॉक्टर मंगेलाल गरासिया का नाम नहीं आया था तो कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। सभी अपने नेताओं को कॉल करने लगे, उन्हें कोसने लगे, यहां तक कि टिकट लाने के लिए सभी जयपुर कूच करने की तैयारी में थे। तभी 28 अक्टूबर को अचानक दिल्ली से चुनाव प्रभारी अविनाश झा का गोगुंदा आने का कार्यक्रम बन गया। कार्यकर्ताओं के जयपुर कूच की भनक पड़ गई थी, इसलिए अचानक पार्टी ने जा को गोगुंदा भेजा या जा खुद अपनी निर्धारित प्लानिंग के तहत आए थे ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन वे आए। कांग्रेस के लोगों ने जयपुर जाना पोस्टपोन करके चुनाव प्रभारी की बैठक में जाना उचित समझा। वहां प्रभारी अपनी बात कहते उससे पहले कांग्रेस पार्टी के आक्रोशित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने गरासिया को टिकट देने में देरी करने को गलत बताते हुए इस्तीफे प्रस्तुत करने लगे। उन्होंने साफ साफ कहा कि या तो डॉक्टर गरासिया को टिकट दिया जाए या उनके इस्तीफे स्वीकार कर लिया जाए। सभी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के नाम इस्तीफे भी पेश कर दिए। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस की इस बैठक की पुख्ता रिपोर्ट सीईसी सदस्यों तक पहुंच गई। प्रदेश की एक और टीम ने भी गोगुंदा विधानसभा क्षेत्र के लोगों से फीडबैक लेकर एक रिपोर्ट तैयार की। इन दोनों रिपोर्टों के आधार पर मधुसूदन मिस्त्री व अन्य सदस्यों ने डॉक्टर गरासिया को टिकट देने की पैरवी की और अंततः इन्हें टिकट दिया गया। तो जीत किसकी हुई? कार्यकर्ताओं की ही हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस ने यह टिकट कांग्रेस कार्यकर्ताओं को दिया है। फिर पीसीसी महासचिव लाल सिंह झाला ने डॉक्टर गरासिया को चुनाव जिताने की गारंटी ली है। जब चुनाव जिताने की गारंटी ले ली है तो फिर पार्टी वाला टिकट क्यों नहीं देगी? पार्टी ने लाल सिंह झाला जैसे दमदार व जुझारू कार्यकर्ता की गारंटी पर टिकट दिया है। अब कार्यकर्ता उत्साहित है, उनके कंधों पर डॉक्टर गरासिया को चुनाव जिताने का भार भी है। अब देखना यह होगा कि 3 दिसंबर को यह उत्साह किस हद तक बना रहेगा। क्या 3 दिसंबर को भी गोगुंदा के चौगान में इसी तरह पटाखे फोड़े जाएंगे? क्या ये कार्यकर्ता डॉक्टर गरासिया को विधानसभा में भेज पाएंगे? इन सवालों के जवाब मिलेंगे 3 दिसंबर को। तब तक बने रहिए हमारे साथ। फिर याद दिला देता हूं, इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब
ताकि बने रहेगी चुनावी वाइब। अगले वीडियो में देखिए क्या चल रहा है भाजपा प्रत्याशी प्रताप लाल भील के कैंप में।